न्यूज पर यह मेगा कवरेज जारी है, जहां पर बरसों का इंतजार खत्म हुआ है और आज पीएम मोदी राम मंदिर को लेकर एक राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 9:35 पर दिल्ली से रवाना होंगे। अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी 12:15 रामलला परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। अयोध्या में चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होर्डिंग्स लगे हैं। होर्डिंग्स में एक ही संदेश है कि पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे और अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम को देखने के लिए एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। काशी तो जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार ने अधिग्रहण अधिसूचना कर करके एक नियम पास किया कि दो राम जन्मभूमि के छोड़ करके और सब पर कोई पुराने जगह पर न हो, तो उसको का नाम है अपना लोकसभा में ये लोग अपना उसको परिवर्तन करें। जो राजीव गांधी के टाइम पर नरसिंह राम जी के टाइम पर 2003 में 2093 में इसका एक कानून बना था। 2003 में जी हाँ जी 2093 में 1993 में ढांचा गिरा था, वो कानून बना था। वो कानून के हिसाब से तो अभी हम लोगों के बोलने के अधिकार नहीं है। जब तो कानून को पहले से केंद्र सरकार और लोकसभा में पास हो जाएगा कि आप इस पर भी, तो उसी हिसाब से चलेगा। देखिए, कानून तोड़ने की किसी के इस देश में अधिकार नहीं है। जो लोकसभा में पास हुआ वो कानून है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। भूमि पूजन की बात करें तो भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त मात्र 32 सेकंड का है और जो दोपहर 12:44:08 से शुरू होगा 12:44:40 के बीच में रहेगा। इसी मुहूर्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांदी की ईंट से राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। तो इतिहास के पन्नों पर आज ये दिन दर्ज होने जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में देश के हर हिस्से के लोगों की भागीदारी इसमें रहेगी। इस उत्सव को लेकर इतना उत्साह लोगों के बीच में नजर आ रहा है। कई साधु संत, कई नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि 175 मेहमानों की लिस्ट इसमें रखी गई है कोरोना को देखते हुए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। इससे पहले कल हमने जब अयोध्या की तस्वीरें देखी, अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से पहले करीब 125,000 दीप जलाए गए। नदी के किनारे घाटों और मंदिरों को सजाया गया, तो पूरी अयोध्या राम में नजर आ रही है। काफी ज्यादा संघर्ष रहा है, सदियों का इंतजार रहा है और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, भूमि पूजन करेंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी, पूजनीय सरसंघ चालक जी, अनेक पूज्य संत उपस्थित रहने वाले, कार्यक्रम होने ही वाला है। ये पत्थर की लकीर है। अभी जिसको जो अपना ओपिनियन देना है वो दे ही सकते हैं, कार्यक्रम होने वाला है। और जो अनेक संतों ने और पूज्य संतों ने जो तय किया, तो मुहूर्त अच्छा ही है। सबसे बड़ी बात है कल भूमि पूजन हो जाएगा, उसके बाद की तैयारियां की जाएंगी, क्या तैयारियां रहेंगी आपकी और कितने शीघ्र क्या प्लान बना है कि तब तक मंदिर निर्माण की शुरुआत हो पाएगी? हमको लगता है कि जितनी तैयारी अभी से है तो 2.5 से 3 वर्षों में हम प्रत्यक्ष भगवान को गर्भगृह में देख सकेंगे, ये हमारी तैयारी रहेगी। सोमनाथ का मंदिर तो बाद में प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी बहुत वर्षों तक बनते रहा। चलिए, कुछ सरयू घाट की हमें तस्वीरें मिल रही हैं। ये देखिए किस तरीके से हर तरफ राम नाम का संकीर्तन हो रहा है और भूमि पूजन से पहले अयोध्या राम में हो गया। जय श्री राम किनारे की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, फिर भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। उनको कहा गया है कि आप अपने घरों में रहिए। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं कि वहां से आप ये पूरा कार्यक्रम देखिए। लेकिन इतना उत्साह है, इस क्षण का साक्षी बनने के लिए लोग खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी है। अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की जाँच भी की जाएगी। कई इलाकों के रूट भी इस दौरान डाइवर्ट किए गए हैं।
अयोध्या में आज इतिहास रचा जाएगा। बाइक गया मिला है तो एसपीजी के हवाले जन्मभूमि की सुरक्षा दी गई है, मिल गया ना सर, और काफी पुख्ता ये पूरे इंतजाम किए गए। सर इसको बंद कर रहा हूँ अब, चलने दो लाइट फ्रेम, चलने दो कि बंद कर दो। ठीक है सर, तो सुरक्षा के लिहाज से सिक्योरिटी कोड से एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़े हर एक अपडेट और हर एक तस्वीरें बंसल न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। वहीं राम मंदिर का निर्माण कई दिनों के संघर्ष का नतीजा है, ये बात राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे विनय कटियार ने बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा में कही। राम मंदिर आंदोलन में लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका को भी उन्होंने अहम बताया, देखिए। लाल कृष्ण आडवाणी मुझे याद आते हैं, मुरली मनोहर जोशी आते हैं, इन चेहरों को उमा भारती जी हैं, जयभान सिंह पवैया हैं, एक पूरी श्रृंखला है। कैसे आप याद करते हैं आडवाणी जी को, ख़ासतौर से आडवाणी जी को, जिन्होंने जिनकी रथ यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक ऐसी दिशा और ऐसी गति प्रदान की जिसकी वजह से बीजेपी भी एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हो गई मानो, और तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दो सांसदों की पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ती चली गई। आडवाणी जी की भूमिका को आप किस तरह देखते हैं? जी नहीं, आडवाणी जी की भूमिका बड़ी अहम थी, डॉक्टर जोशी जी की भी भूमिका अपने हिसाब से, उनकी भी अपना महत्वपूर्ण थी जी। सबसे बड़ा योगदान माननीय अशोक जी सिंगल का था जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर साधु संतों को खड़ा कर दिया। सारे जगतगुरु शंकराचार्य एक मंच पर बैठ गए, नहीं शंकराचार्य कभी एक साथ आते नहीं थे जी, जी। उनको ले जा करके बैठाया और राम मंदिर के पक्ष में कार्यक्रम बना दिया, जगह जगह साधु संत महंत ये निकल पड़े, नौजवानों की टोली अलग निकली जी, माताओं बहनों की टोली अलग निकली दुर्गा वाहिनी के नाम पर जी। तो ये सब काम होते गए और उसी में से जन जागरण का अभियान चला, और शायद विश्व में पहला स्थान ऐसा है कि जहाँ पर 1528 में 3.5 लाख से भी अधिक लोग बलिदान हो गए, 3.5 लाख लोगों ने बलिदान दिया जी, जी। आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव की सरकार ने जी राम भक्तों पर गोलियां चला दी जी, जिसमें 2 सगे भाई मर गए, बलिदान हो गए, और बाकी तो बहुत सारे लोग बलिदान हुए, पूरे खून से नालियां बहने लग गई, अयोध्या रक्तरंजित हो गई, सरयू रक्तरंजित हो गई। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि विश्व का ऐसा स्थान है जहाँ पर इतना संघर्ष किसी धर्म स्थान की मुक्ति के लिए किया गया हो, बाकी कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि किसी धर्म स्थान की मुक्ति के लिए इतने साल लगे हों जी, जी, जी। इसलिए बड़ा भारी त्याग रहा है जी, राजा महाराजा सब लड़ते रहे हैं, लेकिन विजय लोकतंत्र में प्राप्त हुई है, प्रजातंत्र में विजय प्राप्त हुई है। तो प्रजातंत्र में जीत हुई, हर तरफ राम नाम संकीर्तन, और काफी सालों का ये संघर्ष, काफी सदियों का हम कहेंगे ये संघर्ष रहा है। कई बड़े चेहरे इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो राम मंदिर का निर्माण जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अयोध्या भी अगले कुछ वर्षों में काफी बदल जाएगी। विकास के नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, कुछ और शुरू होंगे, तो यही होगी अयोध्या बड़े तीर्थ स्थलों के तौर पर दुनिया के नक्शे में आ जाएगी, कोशिश बिल्कुल यही रहेगी। तो 80 के दशक में आखिर में और 90 की दशक के शुरुआत में जो बड़े चेहरे इससे जुड़े हुए थे, कि उनके संघर्ष की कहानी और सदियों का इंतजार, कि आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। देखिए कितना ज्यादा उत्साह अयोध्या की नगरी पूरी तरीके से राम में नजर आ रही, हर तरफ
राम की गूंज सुनाई दे रही है। और ये देखिए कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे हनुमानगढ़ी, जब वो पहुंचेंगे पूजन करने के लिए, उससे पहले देखिए किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने को लेकर, चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया जा रहा है। वक्त कोरोना काल का भी है, ऐसे में हर एक सावधानियां यहां पर बरती जा रही हैं। हालांकि सैनिटाइजेशन का काम पहले ही शुरू हो गया था, जैसे ही वहां पर कुछ पुजारी पॉजिटिव पाए गए सभी को क्वारंटाइन कर कोरोना टेस्ट भी करवाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को देखते हुए। और ये जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सैनिटाइजेशन का काम देखिए किस तरीके से हो रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो पहले ही पूरी सुरक्षा रखी गई है और इसलिए काफी कम मेहमानों को आमंत्रण भी दिया गया है। और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरी अयोध्या को आकर्षक लाइटिंग्स के साथ सजाया गया था। देखिए दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है और कितना खूबसूरत, कितना सुंदर ये नज़ारा लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे दिवाली हो और वैसा जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। तो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या पूरी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे सुबह 11:30 बजे ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो पहुंचेंगे। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, आसपास के इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की कमान SPG को दी गई है। वहीं बाबरी मस्जिद में पक्षकार इकबाल अंसारी भी भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बंसल न्यूज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी रामचरितमानस पीएम मोदी को भेंट करेंगे, साथ ही उन्होंने न्योते का स्वागत किया है। देखिए आप उन मुअज्जज मेहमानों में से हैं बुधवार 5 अगस्त के कार्यक्रमों के जो अल्पसंख्यक नुमाइंदगी ज़रूर करते हैं, हालांकि ये शब्द मैं नहीं कहूँगा, जो आपने बड़ा खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तान के एक नागरिक के तौर पर, बड़ी खूबसूरत बात आपने की अंसारी साहब। आप अपने हाथों से प्राइम मिनिस्टर साहब को, नरेंद्र मोदी जी को रामायण की प्रति भी भेंट करेंगे, कितने आप इस क्षण को लेकर रोमांचित हैं, किस किस्म के एहसास आपके मन के भीतर हैं इस वक्त, और किस तरह से आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके ताल्लुके में, आपके ताल्लुकातों में इस खास पल को याद किया जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? जी देखिए, हमको तो पूरी दुनिया पहचान गई होगी। 4 साल से मैं, अब हमारे वालिद के इंतकाल के बाद में पूरी दुनिया हमको जान गई है, पूरी दुनिया हमको जानती है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी लोग मेरा सम्मान करते हैं। सवाल यहाँ जो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हमको न्योता मिला है और न्योता का जो मतलब होता है उसको भी हम निभा रहे हैं। भाई बहुत से लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, बहुत सी जो है बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज पेश कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदू धर्म के रस्म रिवाज के हिसाब से, हम जो हिंदू धर्म में जो है जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, हम इसलिए उनको पेश कर रहे हैं कि जो आदमी जिस चीज़ को इस्तेमाल करता है हम उसी की चीज़ उसको देंगे कि रामायण जो है पढ़ी जाएगी। जिस रास्ते से लोग चलते हैं वही किताब हम उनको दे रहे हैं कि जब लोग जो है रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, जब उसको लोग पढ़ेंगे तो उससे अच्छे ताल्लुकात होंगे, अच्छा जो है अच्छी मालूमात होगी और उस रास्ते पे लोग चलेंगे और लोग बुराई से बचेंगे। तो आप सुन रहे थे कि इस वक्त इकबाल अंसारी जो कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार, उनको सुन रहे थे। उन्होंने न्योते का स्वागत किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो रामचरितमानस भी भेंट करने जा रहे हैं। तो अयोध्या का हर घर, हर मंदिर राम भक्ति में पूरी तरीके से रंग चुका है। अयोध्या के पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी राम भक्ति देखने को मिली। यहाँ भजन कीर्तन के जरिए अयोध्या नगरी के लोगों की खुशी का इजहार किया गया। हमारे संवाददाता अंचल शुक्ला ने इसका जायजा लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में आस्था के कई रंग है। आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आज दीपोत्सव जैसे दीपावली का त्यौहार होता है, घर घर दिए जलाए जाते हैं, आज वैसे ही घर घर में दिए जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में दिए जलाए जा रहे हैं। मंदिर में आज आप जिस भी मंदिर में अयोध्या के जाएंगे, कहा भी जाता है कि अयोध्या का हर घर मंदिर होता है। अभी हम पंचमुखी हनुमान मंदिर में हैं और जितना राम को यहाँ पूजा जाता है उससे कम
राम भक्त हनुमान को भी यहाँ पर नहीं पूजा जाता। और लोग कैसे उत्साह मना रहे हैं, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, कोई गाकर, कोई दिए जलाकर, तो कोई नाचकर, तरह तरह के रंग जो हैं वो इस अयोध्या नगरी में देखने को मिलते हैं। हमारे साथ में श्रुति जी हैं जो कि बहुत ही अच्छी गायिका भी हैं, और कैसे सृष्टि जी हैं, तो कैसे अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही हैं आप जबकि राम मंदिर अब निर्माण होने वाला है? भजन के माध्यम से प्रकट करना चाहेंगे और पूरे अवध में उत्साह है, आनंद की लहर दौड़ रही है लोगों के हृदय में, और नगर को सभी ने सजाया है जैसा कि आप सब लोगों ने देखा ही होगा। ध्वज पताक पट चामर चारू छावा परम विचित्र बजारू, और लोग गीत गा रहे हैं तो गावे ही सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। तो हम आपको सुनाना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कि किस प्रकार से श्री राम जी के इस नवीन कार्य के लिए लोगों के मन में एक उत्साह है। तरफ जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में दीपोत्सव मनाया। शिवराज सिंह भजन कीर्तन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है जिससे पहले बीजेपी दीपोत्सव मना रही है, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी दीपोत्सव मनाते हुए दिखाई दिए। गौरतलब यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा कोरोना पॉजिटिव है, उनका चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी वो भजन कीर्तन में और राम के रंग में रंगे नजर आए। रामलला के दिव्य मंदिर का भूमि पूजन है और रामराजा सरकार के महल में उत्साह भला क्यों नहीं होगा। ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वैसे भी ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। लोगों में जमकर उत्साह, दीपदान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हर तरफ भजन कीर्तन गाया जा रहा है। ग्रंथ कहते हैं कि सा अयोध्या तत्र राघवा, जहाँ पर राम हो वही अयोध्या है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि सर्वव्यापक राजा राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं सैन अयोध्या वास। तो राम का राजा सरकार की नगरी को रामलला के मंदिर के निर्माण के अवसर पर कैसा सजाया जाए, कैसी भव्यता हो, इसकी चिंता स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और सरकार ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि रामराजा सरकार की नगरी को भव्यता के साथ सजाया जाए। आम जन से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि सभी लोग अपने घरों पर दीपोत्सव मनाएं, एक नई दीपावली जैसा एक वातावरण हो और 5 अगस्त को संपूर्ण भारत गुंजायमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए और उसी में ओरछा की भी अनुपम छटा दिखाई दे, ऐसा हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं।